हेलो एवरीवन, दिस इज किरण। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैरी पना शरबत की रेसिपी। कैरियों का सीज़न ख़त्म होने वाला है और यही सही समय होता है इस शरबत को बनाने का, ताकि दीपावली तक हम इस शरबत को एंजॉय कर सकें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है कैरी पना का शरबत। शरबत बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम कैरी ली है। इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इन सभी कैरियों को छीलेंगे। ट्रेडिशनली कैरियों को बिना छीले इसी तरह पकाया जाता है, बॉईल किया जाता है, पर छील कर काट कर इन्हें पकाना इजी हो जाता है। अब हम इसी तरह सभी कैरियों को काट लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी कम से कम ऐड करना है। और अब हम कुकर में 1 से 2 सीटी लगाकर इसे बॉईल कर लेंगे अच्छे से। हमारी कैरियाँ बॉईल हो चुकी हैं। मैंने इसमें कैरियों के पल्प के साथ साथ गुठलियाँ भी डाल दी थी और अब मैं मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करने से पहले गुठलियाँ निकाल दूंगी। तो अब मैंने इस पल्प को मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इसे ग्राइंड करने से पहले हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इस स्टेज पर आप इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, काला नमक है ये। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून ही इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सादा नमक। और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारा मिक्सर ग्राइंड हो चुका है और अब हम शरबत की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम चाशनी बनाएंगे और चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैं एक कढ़ाई में 350 ग्राम्स शक्कर ऐड कर रही हूँ। जनरली शक्कर जितनी हम कैरी लेते हैं उसकी हाफ क्वांटिटी में हम शक्कर लेते हैं, पर मेरी कैरी बहुत ज़्यादा खट्टी थी। आप भी जब कैरियों को काटें उस वक्त थोड़ा टेस्ट कर लें, यदि कैरी बहुत ज़्यादा खट्टी है तो शक्कर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। कढ़ाई थोड़ी छोटी लग रही है इसीलिए मैं इसे बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और शक्कर के पूरी तरह डिज़ोल्व होने तक हम इसे हिलाकर पकाएंगे। देखिए कितना बढ़िया तार आने लगा है। एक तार की चाशनी रेडी है। चाशनी रेडी है और अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा कैरी का पल्प। अच्छे से हिलाते हुए पकाएंगे। इसे भी हमें एक तार की चाशनी बनने तक पकाना है। तार बनने लगा है। हमारी चाशनी एकदम रेडी है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे पूरी तरह। शरबत ठंडा हो चुका है और अब हम इसे छानेंगे और अब हम इसे एक ग्लास की बोतल में स्टोर कर रख लेंगे। ये पना बहुत ही टेस्टी होता है। इसका शरबत बनाने के लिए हम एक ग्लास में कुछ आइस डालेंगे। एक ग्लास शरबत बनाने के लिए 4 चम्मच आप पल्प ऐड करें और कुछ पुदीने की पत्तियाँ। आप चाहें तो पुदीने को क्रश करके या मिक्सर जार में उसे पीस कर उसका रस निकाल कर भी इसमें डाल सकते हैं। तो हमारा शरबत बनकर रेडी है। कैरियों का सीज़न ख़त्म होने वाला है। इस वक्त यदि आप ये शरबत बनाकर रख लेते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पड़ने वाली गर्मी में आपको बहुत राहत मिलेगी। तो आप ज़रूर बनाइएगा इसे। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।